जांजगीर का रुख करेंगे, जहां से एक और खबर हमें इस वक्त की मिल रही है जांजगीर से, जहां तीन बच्चे लापता बताए जा रहे हैं। जांजगीर चांपा से ये खबर, तीन बच्चे लापता बताए जा रहे हैं। घर से स्कूल जाने के लिए तीनों बच्चे निकले थे, लेकिन शुक्रवार से लड़कियों और एक लड़का लापता है। सड़क किनारे बच्चों के स्कूल बैग और कपड़े मिले हैं, जांजगीर से खबर। परिजनों ने थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई है। तो अपहरण का मामला दर्ज करके बच्चों की तलाश में पुलिस जुट गई है, और ये बच्चे, दो लड़कियां एक लड़का लापता बताए जा रहे हैं। स्कूल जाने के लिए घर से निकले थे, लेकिन स्कूल नहीं पहुंचे और इन तीनों बच्चों के बैग सड़क किनारे पड़े मिले हैं। संवाददाता जितेंद्र कुमार हमारे साथ इस खबर पर जानकारी के लिए जुड़ गए हैं। जितेंद्र जी, क्या ज्यादा जानकारी मिल पा रही है इस मामले में? जी, जय जी, बताना चाहूंगा कि जांजगीर चांपा जिले के चांपा के वार्ड नंबर 2 में आज उस वक्त हड़कंप मच गई, जब मोहल्ले वासियों को यह जानकारी हुई कि उनके मोहल्ले में रहने वाले तीन बच्चे, मासूम बच्चे, स्कूल जाने के लिए निकले थे लेकिन स्कूल तक नहीं पहुंच पाए। दरअसल स्कूल जाने के लिए निकले थे लेकिन तीनों बच्चे स्कूल नहीं पहुंच पाए और गायब हो गए। इसकी जानकारी उन लोग को जब स्कूल से छुट्टी होने के बाद घर बच्चे आते हैं तब पता चली कि बच्चे तो स्कूल ही नहीं पहुंचे हैं। तब जाके परिजनों ने वहां आसपास में ढूंढे, वहां पुलिस स्टेशन, रेलवे स्टेशन और जहां आसपास में जहां वो बच्चे घूमते थे वहां ढूंढे, लेकिन नहीं मिलने पर आसपास के लोगों को बहुत चिंता हो गई और इस बात की थाने में जाके रिपोर्ट दर्ज कराई। रिपोर्ट दर्ज कराने के बाद पुलिस आश्वासन दिए गया है कि बच्चे जल्द से जल्द मिल जाने की आश्वासन दिए। जितेंद्र जी, शुक्रवार से बच्चे लापता बताए जा रहे हैं, अभी तक पुलिस को कुछ अपडेट इस मामले में नहीं मिल पाया है, क्योंकि बच्चों के बैग और उनके कपड़े स्कूल सड़क किनारे पड़े मिले, और इसके साथ ही जब बच्चे स्कूल जा रहे थे तो क्या स्कूल पहुंचे या नहीं पहुंचे, इस तरह की कोई जानकारी अभी तक मिल पाई है? जी, हमने पुलिस से बात भी की तो पुलिस वाले बोल रहे हैं कि उन लोग को मामले की जांच की जा रही है, लेकिन अभी तक पुलिस के हाथ में कोई सबूत भी नहीं मिली है, ना कोई जानकारी मिली है। पुलिस की बोलने के अनुसार उन लोग बोल रहे हैं कि थाना, क्या बोलते हैं, रेलवे स्टेशन, बस स्टेशन, जहां पर बच्चे की कपड़े संदिग्ध हालत में मिली, इन तालाब के पास मिली, उसमें भी हम जांच किए जा रहे हैं और डॉग स्क्वाड के हिसाब से भी हम जांच करवाया जा रहा है, और इस जानकारी के हिसाब से पुलिस के हाथ में अभी तक कोई सुराग या न जानकारी कुछ नहीं मिली। जितेंद्र जी, आपने परिजनों से बात की, बच्चों के जो परिजन है उनसे आपने बात करने की कोशिश की कि क्या कोई आसपास का उनका है जो इस तरह की घटना को अंजाम दे सकता है, या कोई जिससे उनकी दुश्मनी हो, आपसे रंजिश ऐसा जिसको लेकर ये घटना की हो किसी ने? परिजनों से हमने बात की तो परिजनों का कहना है कि ऐसे पहली बार हुआ है, जो बच्चे तो आसपास में खेलते रहते थे, खेलने के बाद पहुंच ही जाते थे, उनका कहना है कि कोई बच्चे चोर या कोई किडनैपिंग वाला आया है और बच्चे को यहाँ गया है, इस बोल के जानकारी मिल रही है। चलिए, शुक्रिया जानकारी देने के लिए जितेंद्र जी।